Assalamualaikum, I am Asnan Bhatt and welcome back with a new vlog. तो guys अभी हम बहुत जल्दी में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे जो है 2 घंटे रह गए हैं यहाँ पे मदीना में और हमने मक्का चले जाना है अभी जोर की नमाज के बाद. जोर की नमाज में सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट रह गए हैं तो अभी अभी मैं नहा के फ्रेश हुआ हूँ और थोड़ी देर बाद जो है हमने चले जाना है मक्का. तो अभी कमरे का जो है बहुत बुरा हाल हो रहा है, देख रहे हो ये इतनी सारी खजूरें पड़ी हैं, इधर बैग इधर बैग, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, एक नीचे कमरा है उधर भी बैग पड़े हैं, 2 कमरे हैं हमारे. तो ये सारा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है गंद बना हुआ है. तो हमने जो है जाना है मक्का, तो बस 2 घंटे रह गए, अभी जोर की नमाज पढ़ के आते हैं पहले और फिर जो भी सीन्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट अवर व्लॉग. अभी हम यहाँ जो है मदीना के अपने गेट से निकल रहे हैं, बस अभी जोर की नमाज पढ़ी है और बाहर आए हैं. अभी बिल्कुल सामने हम मदीना के जो अपना गेट है इधर सामने खड़े हैं. इधर से जाने का दिल तो नहीं कर रहा लेकिन यार जाना पड़ता है, इंशाल्लाह दोबारा वापस आएंगे. हम बस नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं और अभी जो है ये अपना सारा सामान नीचे उतारा है हमने. ये सारी खजूरें हैं और ये सामान है, अभी बस पता नहीं कब आएगी. हमें तो जोर की बात का बोला है लेकिन असर भी हो चुकी है तो देखते भी कितनी देर और लगती है और फिर आगे बस निकलते हैं. अभी का सामान वगैरह जो है हमने सारा रख लिया और अपनी बस भी आ चुकी है. शोर आ रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा शोर कर दिया है तो अभी इसके अंदर बैठते हैं और फिर मक्का भी हम निकल जाएंगे. बस कुछ मिनट रह गए हमारे यहाँ मदीना में. बस में बैठ गया हूँ, पर सामान भी रखती है और अभी पूरी बस खाली है. ये आहिस्ता आहिस्ता उठ लो मस्त लेंगे और मेरे ख्याल से मगरिब हो जाएगी. और ये श्याम भाई बैठे हुए हैं और हम सबसे पीछे बैठे हैं, क्योंकि सबसे पीछे बहुत मज़ा आता है. गाइस अभी जो हम मीकात पे उतरे हैं यहाँ पे और अहराम वगैरह यहाँ पे बांधना है. 1.5 घंटे का बता रहे थे लेकिन काफ़ी जल्दी हम पहुँचे हैं और अभी यहाँ से अहराम बांधेंगे, मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर जो भी आगे सीन होंगे. तो गाइस अभी हमने अहराम भी पहन लिया और हमारी नियत भी स्टार्ट हो चुकी है नफल वगैरह पढ़ के और अहराम भी कर लिए, नियत भी स्टार्ट हो चुकी है. अभी बस की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं. यहाँ एक मीकात जगह का नाम है या इसको कहते हैं, तो इधर रुकती है आपकी बस जब आप मदीना से आते हैं और फिर आपका यहाँ से उम्रा होता है स्टार्ट हो जाता है. और अभी हमारा भी जो अहराम की नियत है और जो उम्र है वो स्टार्ट हो चुका है तो अभी आगे जाते हैं. और तो गाइस काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और बिल्कुल साइडों पर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, तो ज़्यादा मैं क्लिप्स नहीं यहाँ पे बना रहा क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा, बहुत अंधेरा है और रात हुई हुई है. अभी जो है हम मक्का पहुँचे हैं और बहुत तेज़ बारिश जो है वो बारिश लगी हुई है बहुत तेज़. हम जो है होटल पहुँचे हैं, पहले हमारा उस साइड वाला कमरा था आप लोगों को याद होगा और अब इस साइड वाला है. तो अभी सीधा जो है तवाफ़ करने जाते हैं खाना काबा वाली तरफ और अपना उम्रा जो है वो आगे कम्प्लीट करते हैं. तो गाइस देख रहे हैं हम तवाफ़ कर रहे हैं साथ साथ और ये हमारा सेकंड उम्रा है अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट हो जाएगा. साथ साथ तवाफ़ कर रहे हैं और मौसम भी बहुत प्यारा हो गया, बिजली चमक रही है और बादल भी बहुत तेज़ आए हुए हैं तो बारिश होगी, तो देखते हैं आगे क्या सीन्स हैं. तो गाइस देख रहे हैं कि कितनी तेज़ जो है यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और बहुत ही प्यारा मौसम हो चुका है यहाँ मक्का में. अभी हमारा तवाफ जो है वो ख़त्म हो गया और सही स्टार्ट हो गया यहाँ पे, सही कर रहे हैं तवाफ हमारा फिनिश हो गया. तो गाइस साथ साथ जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं अपना सही और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है उम्रा करते वक्त और सही भी हमारी जो है कंप्लीट होने लगी है. फिर जो है आगे बाल कटेंगे मतलब हल्क करेंगे हलक, तो फिर हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा. सही भी हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, पीछे अभी अभी सही ख़त्म करते हैं और नफल भी पढ़ ली है और बस अभी बाल कटवाने हैं, गंजा ही है लेकिन फिर भी गंजा करवाना है तो फिर हमारा उम्रा जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा. يا حرما أشجانا نل.
सो गाइज़ यहाँ पे हमारा सेकंड उमरा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है और मक्का का जो मौसम है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा हो चुका है। बारिश लगी हुई है थोड़ी थोड़ी और बादल भी बहुत तेज़ है, ठंड हो चुकी है यहाँ मक्का में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।